नमस्कार, अपन सड़पन घर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं रूपाली। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। समस्तीपुर शहर के मगरदही घाट के पास मजदूर यूनियन के सदस्यों ने प्रशासन के उदासीन रवैया से तंग आकर किया चक्का जाम। कई घंटे तक रहा यातायात बाधित। गैर नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा रसीद काटना और टेम्पो से अवैध वसूली के खिलाफ DTO को मजदूर यूनियन ने उनके खिलाफ शिकायत की थी और कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित बिहार राज्य मजदूर यूनियन और मोटर यूनियन ने चक्का जाम कर दिया शहर के मरदही घाट पर, और प्रशासन, नगर परिषद और DTO के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी किया। मगरदही घाट से DNews के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग 2 तारीख को प्रशासन को मांग पत्र दे दिया कि समस्तीपुर जिला परिवहन यूनियन के लेटर पैड पर कि जिला में जुगाड़ ठेला जो प्रदूषण पैदा करता है, दुर्घटना होता है, जाम होता है, बंद कराया जाए। परिवहन विभाग में करोड़ों का घोटाला है, CBI जांच कराया जाए। शहर को अपराध मुक्त किया जाए, अतिक्रमण मुक्त किया जाए, ऑटो चालकों से अवैध वसूली बंद कराया जाए, प्राइवेट लोगों से नगर पालिका का रसीद नहीं कटवाया जाए, और बस पड़ाव में जो ओवर ब्रिज के नीचे अतिक्रमण है जिससे वाहन के आने जाने में व्यवधान पैदा हो रही है, सबको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। ताजपुर रोड पर अतिक्रमण मुक्त किया जाए। बावजूद हमारे मांग पर विचार नहीं किया गया, इसलिए आज 10-12 दिन के बाद हम लोग यह सड़क जाम आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। क्या नाम है आपका? नाम डॉक्टर एस इमाम, राज सचिव ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात बेखौफ अपराधियों ने विथान थाना क्षेत्र के लर्जा घाट में घर में घुसकर नाबालिग युवक को मारी गोली। बिहार के समस्तीपुर जिले के विथान थाना क्षेत्र के लर्जा घाट में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर अजीर बक्खो के 15 वर्षीय पुत्र सकुर बक्खो को गोली मारकर हत्या कर दिया। घर के लोगों ने 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया। DNews के लिए विथान से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। पूसा बाजार में चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में किया हाथ साफ। लगभग 4 लाख की संपत्ति ले गया चोर। 13 दिसंबर की देर रात समस्तीपुर जिले के पूसा बाजार में मां जगदम्बा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी की। जगदम्बा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोप्राइटर रविकांत शाह जब सुबह अपनी दुकान स्टाफ के साथ पहुंचे तो उन्होंने देखा सभी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। श्री शाह ने इसकी सूचना पूसा थाना को दी। हसनपुर रोड प्रखंड के देवा पंचायत के महुआ छपकी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्था और कमरा नहीं होने के कारण छात्रों की पढ़ाई बरामदे पर होती है।